हरियाणा के कई गेस्ट टीचर्स की विभिन्न कारणों के चलते मौत हो चुकी है। अब इन गेस्ट टीचरों की विधवाओं ने मांग की है कि जिस तरह सरकारी एवं रेगुलर टीचरों एवं कर्मचारियों की विधवाओं को जॉब सिक्योरिटी अथवा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे सुविधाएं गेस्ट टीचरों की विधवाओं को भी दी जाएं। हरियाणा के यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर हरियाणा के विभिन्न जिलों से पहुंची महिलाओं ने अपने खून से पत्र लिखे, लेकिन शिक्षा मंत्री के स्टाफ ने इस तरह की पत्र लेने से मना कर दिया, जिसके बाद इन महिलाओं ने दोबारा से साधारण रूप से प्रार्थना पत्र दिए। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने इन महिलाओं की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा कि इस तरह का कोई नियम नहीं है, लेकिन वे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की किसी वजह से डेथ हुई, तो ये तब तय है कि जिस प्रकार से जो कुछ पक्के कर्मचारी हैं उनको जिस प्रकार की सुविधा मिलती है कि इस प्रकार की डेथ होने के बाद उनके परिवार को उनकी पूरी जो तनख्वाह है वो मिलती रहती है, उसी प्रकार ये तथ्य है कि उनको भी मिलनी चाहिए। तो हम ऐसा तो खैर कर नहीं सकते नियम अनुसार, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करूँगा इसके बारे में कि हम क्या मदद कर सकते हैं इसकी, कहीं भी जिस प्रकार से कोई तरीका और बढ़ता है मदद करने का, तो बातचीत करें, पॉजिटिव नहीं लेंगे हम, अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं इनका तो निश्चित तौर से कानून के दायरे में मदद करने का प्रयास करें। सर, इनका कहना है कि 2021 में शायद पहले भी बात हो चुकी है लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। जब देखिए इस प्रकार की कोई बात नहीं, वो कुछ इन लोगों की और बातें थी, इन्हें रूल बनाने की बात थी, ग्रेजुएटी की बात थी, मेडिकल की बात थी, चार मांगे इस प्रकार की इन्होंने रखी थी। मांगे तो ज़्यादा रखी थी लेकिन चार पर हमारी सहमति हुई थी। वो फाइल जो है इस टाइम एफडी में है, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद महिलाएं संतुष्ट नजर आई। उनका कहना था कि वे अन्य कर्मचारियों की विधवाओं की तरह जॉब सिक्योरिटी एवं अन्य सुविधाएं चाहती हैं। शिक्षा मंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री से बातचीत करने का आश्वासन दिया है। गेस्ट टीचर थे मेरे घर वाले, 2020 में डेथ हो गई थी, उनकी जॉब सिक्योरिटी दी हुई उनको, हमें कुछ नहीं मिला है। उनकी बीमारी पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था, उनके बाद हमें एक रुपया भी नहीं दिया है, कुछ नहीं मिला। जो सिक्योरिटी वैसे नाम की सिक्योरिटी है, कुछ नहीं मिला हमारे को। किस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है, बच्चे हैं जी, बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल से हो रहा है। दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी भी ऐसी नहीं भाई परमानेंट दिहाड़ी हो, रोज चला जावे, कभी नरेगा में जाते हैं, कभी कुछ करते हैं जी, परमानेंट दिहाड़ी भी नहीं है। तो क्या हमारी मांग यही है जी, जॉब सिक्योरिटी है ना, जो 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी दी है नहीं, उसकी हमें पूरी तनख्वाह मिल जाए, मिलनी चाहिए 2019 से। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन तो ठीक दिया जी, कह रहे हैं मिल जाएगा। 2006 में हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों को मेरिट बनाकर सारे उन मानदंडों की अनुपालना करते हुए जो कि रेगुलर टीचर के होते हैं हमें लगाया गया, लेकिन हमें जो सैलरी दी जाती थी वो दिहाड़ी आधार पर दी जाती थी। 2009 में हमें फिक्स किया गया और 2019 में हमारी सेवाओं को कन्फर्म कर दिया गया कि 58 साल तक आप सेवाओं बने रहेंगे और आपकी सैलरी साल में 2 बार बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारे परिवारों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। लगातार हमारे साथी लगभग 184 साथी जेंट्स साथी एक्सपायर हो चुके हैं और लगभग 19 के आसपास महिलाएं हमारी गेस्ट टीचर एक्सपायर हो चुकी हैं, जिनकी अधिकतर की मौत बीमारी से हुई है, क्योंकि हमें कोई भी किसी तरह का मेडिकल नहीं मिलता और हर वक्त गेस्ट टीचर तनाव में रहता है क्योंकि उन्हें 1/3 सैलरी गेस्ट टीचर को दी जाती है। तो उसी का परिणाम ये रहा कि 184 गेस्ट टीचर की मौत हुई और उसके बाद आप देखिए कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तो उनके बाद इनका जो जीवन है वो मुहाल हो गया है और इनको दिहाड़ी पर काम करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार से डिमांड ये है कि यदि हमारी सेवाओं को 58 साल तक कन्फर्म कर दिया गया, पक्का कर दिया गया है, तो इनके डिपेंडेंट को आश्रितों को 58 साल तक वो सैलरी दी जाए जो इनकी पतियों को मिल रही थी। हरियाणा में गेस्ट टीचर लंबे समय से संघर्षरत है। उन्हें जहां जॉब सिक्योरिटी दी है, वहीं पिछले कुछ समय से इन गेस्ट टीचरों में से काफी संख्या में गेस्ट टीचर की मौत हो चुकी है, जिसके चलते अब उन गेस्ट टीचरों की विधवाओं ने हरियाणा के अन्य कर्मचारियों की तरह जॉब सिक्योरिटी व सुविधाओं की मांग की है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।